क्या आपको पता है कि आखिर चंद्रमा का उम्र कितना होगा? देखिए, आज तक विशालकाय अंतरिक्ष हमारी पृथ्वी का जो करीबी साथ है वो चांद है, और कहा जाता है कि चांद ही सबसे करीब है, इसलिए फ्यूचर में रहने के लिए भी हमारे काफ़ी अनुकूल हो सकता है यहाँ पर रहना, और वातावरण को इस तरह से बनाया जा सकता है और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके न जाने कितने सारे खनिज को निकाला भी जा सकता है। अब देखिए, ये भी हम बात जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के धरती के चांद के हर रोज देखा जा सकता है, और डेली हम इस चंद्रमा को देखते भी हैं। रात के समय में तो चंद्रमा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, वहीं बात करें कि ये चमकदार नजर आता है। आज पूरे दुनिया में मून मिशन न जाने कितने सारे देशों ने कर चुके हैं और आज तक बहुत ही सक्सेसफुल माना गया, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मून का रियल एज कितना हुआ है और कितने साल तक ये अभी टिक पाएगा? तो चलिए, हम आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर चांद कब तक कह सकते हैं कि जिंदा रहेगा और ये कितने साल का हो चुका है। जी हाँ, तो इस वीडियो में बने रहे, मैं हूँ चंदन गुप्ता। अब आ गए दुनिया की बातें चैनल पर, तो मेरे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है जो कि उसका चक्कर लगाते रहता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर न जाने कितने सारे सैटेलाइट है जो कि बहुत सारे देशों ने सैटेलाइट लगाया, लेकिन प्राकृतिक सैटेलाइट की बात करें जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ही है जो कि हमेशा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये एक रहस्य की बातें हैं जिन्हें जानने की जरूरत है। दुनिया भर में वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर भी कर रहा है। सालों से चंद्रमा ने हजारों कलाकारों और लेखकों को प्रेरित किया है जिन्होंने इसे लेकर न जाने कितने सारे कहानियां लिखी और इसके बारे में बताई है। चांद पर कितने ही गाने लिखे गए और चांद के बारे में साइंटिफिक और वहीं बात करें कि लोगों ने तरह तरह के बातें बताया, और हमेशा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जैसी चीज़ें हमेशा घटती रहती, लेकिन यही बात करें कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा बहस की बात बन चुकी है, और इसकी साइंस की बात करें और साइंटिस्टों ने इस पर काफ़ी सारे बहस किया है और पता लगाने काफ़ी महजों के बाद काफ़ी दिक्कतों के बाद चांद का उम्र पता चल गया और ये पता लगाया गया है कि आखिर ये कितने साल तक और रह सकता। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। चांद की उम्र की बात करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 1972 में चांद पर अपोलो 17 मिशन भेजा, और इस मिशन के तहत दिसंबर के महीने में एस्ट्रोनॉट यजीन सेनर्न और हैरिसन सिमिट चांद की सतह पर लैंड हुए। उनका कहना था कि कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए और इस दौरान वह चांद की धूल और मिट्टी को सैंपल के तौर पर पृथ्वी पर लेकर आए, मगर वह इस बात से अनजान था कि जिस मिट्टी और धूल को लेकर वह आए वह चांद को लेकर सबसे बड़े सवाल और जवाब देने वाला। दरअसल चांद की इस मिट्टी और धूल के जरिए अब हमें असल उम्र के बारे में पता चला, और कहा जा रहा है कि 50 साल से भी ज़्यादा वक्त पहले इकट्ठा किए गए सैंपल के जरिए वैज्ञानिक ने चांद की उम्र बताई, और वैज्ञानिक ने चांद की धूल और क्रिस्टल का पता लगाते हुए बताया कि चंद्रमा 4.46 अरब साल पुराना है, और वहीं बात करें कि माना जा रहा है कि यह 4.42 अरब साल का है, लेकिन चांद की धूल की रिकॉर्ड और क्रिस्टल के जरिए चांद की उम्र का पता लगा लिया और इस उम्र का पता लगा लिया। वहीं बात करें कि आखिर यह चांद किस तरह से तैयार हुआ, क्योंकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के मंगल ग्रह के आकार के एक ऑब्जर्वर की टक्कर हुई और जिसकी वजह से पृथ्वी के कई सारे टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए, और कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में बिखरे हुए टुकड़े ने अलग अलग चलकर पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर शुरू कर दिया और कई सारे टुकड़े से एक चांद बना और एक आकार ले लिया, और तभी से ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये चांद जो है तैयार हो गया और अपना एक आकार गोल बना लिया, और आज तक ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है।